इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की जानिब से जारी करदा सालाना इंडेक्स के मुताबिक कराची को दुनिया के नाकाबले रिहाइश 5 शहरों में शामिल कर लिया गया है। जानते हैं वो कौन से बुनियादी मसाइल हैं जिनके बायस कराची शहर का रैंक गिर गया है। इकोनॉमिस्ट के रिसर्च एंड एनालिसिस डिवीजन इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU ने पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची को दुनिया के 5 सबसे कम काबिले रिहाइश शहरों में से एक करार दिया है। साल 2022 के लिए यूनिट के आलमी काबिले रिहाइश इंडेक्स में कुल 172 ममालिक के शहरों में रिहाइश के लिहाज से कराची 168वें नंबर पर है। हर शहर में इस्तेहकाम, सेहत की सहूलियात, तालीम और बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर का पैमाना जांचने के लिए 30 पॉइंट्स रखे गए थे। कराची का सेहत और सकाफत का स्कोर 35.2, तालीम के मैदान में 66.7, माहौलियात का स्कोर 35.2, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में स्कोर 51.8 रहा। इस लिहाज से पाकिस्तान का औसत स्कोर 37.5 रहा, जो मिसाली स्कोर यानी 100 से बहुत कम है। शहरी कायद में इस वक्त एक तरफ बदअमनी और लूटमार का बाजार गर्म है, तो दूसरी जानिब अस्पतालों की अबतर सूरत हाल, तालीमी मैदान में इस्लाहात की कमी, टूटी हुई सड़कों, सीवरेज और पानी के मसाइल और माहौलियाती खतरात जैसे अनगिनत चैलेंजेस दरपेश हैं। सियासी रहनुमा भी शहर के मसाइल पर सरापा एहतजाज हैं। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को फंक्शनल कर रहे हैं। अब हम बताएंगे कि कराची के वसाइल किस तरह से लूटे जा रहे हैं और इस पूरी तमाम अमल को हम बेनकाब करेंगे और पूरी तहरीक लेकर आगे चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने शहर का इंतजाम संभालकर इन चैलेंजेस से निमटने के अज़्म का इजहार किया है। हुकूमत को अपने काम को बेहतर बनाने की ज़रूरत है और मैं समझता हूँ काम बेहतर हो रहा है, और इसी तरीके से मैं शहरियों को से भी एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो हुकूमत का साथ देंगे। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हर बंदा रोज़ अपना घर साफ़ करता है और फिर जाके कचरा सड़क के ऊपर फेंक के आता है। उसके लिए मैं शहरियों को कहता हूँ थोड़ा सा इंतज़ामिया का साथ दें, मिलकर शहर को हम साफ़ कर सकते हैं। देखना यह है कि नए मेयर की सरबराही में साल 2023 कराची के लिए बेहतरी का साल साबित होगा या ये मसाइल इसी तरह कराची की रैंकिंग पस्त करते रहेंगे।